लोकसभा जलंधर की उपचुनाव को लेकर अज सारा दिन माहौल चहल पहल वाला रहा। इस दौरान सारिया ही राजनीतिक पार्टियां के आगुओं के वलों हल्के के वख-वख पोलिंग बूथां ते कड़ी नज़र रखी गई। इस मौके कांग्रेसी विधायक लाडी शेरवाली ते श्रोमणी अकाली दल के हलका इंचार्ज बजतन सिंह कोहाड़ ने हल्के तो बाहर आए आप आगुआ ते वर्करां की दखलअंदाजी का जिथे विरोध किया उत्थे ही कुछ आगुआ ते वर्करां की चोण अधिकारियों ते पुलिस नूं शिकायत भी की। इस नाल ही कांग्रेसी आगुआ की आप आगुआ ते वर्करां दे नाल कुछ पिंडां विच मामूली झड़प भी देखण नूं मिली। इस दौरान वख-वख पोलिंग बूथां ते सवेर समय जिथे पोलिंग का काम ठंडा रहने कारण 11 बजे तक केवल 17% वोट पोल हुई उत्थे ही बाद दोपहर 3 बजे तक वोटर ने काफ़ी उत्साह दे नाल वोटां पाईयां। इस दौरान नौजवानों पाहिज अते बजुर्ग वोटर ने भी बड़े उत्साह दे नाल अपनी वोट पाई। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैनू वोट पाउण दा पहली बार मौका मिलिया जो कि मैं वोट पा के बहुत खुश हाँ। तो मैं वोट पाउण दे मतलब कि एक सर्टिफिकेट मिलिया जो कि मेरा हमेशा लई सदा लई हौसला वधाई रखूगा। तो मैं बहुत ज़्यादा अज दे दिन खुश हाँ। एक मुंडा बेगोवाल तो मतलब तरन तारण तो आम पार्टी वालों पोलिंग एजेंट बन गया इतने आ के साडे पिंड। मतलब वह कोई कम ही नहीं सी मतलब पोलिंग एजेंट बनता। जदों पोलिंग एजेंट बन गया सानू शक पै गई तो असीं उन्हूं मुड़ के फिर मतलब देखिया दोबारा जो आया तो पिंड वाले फड़ लिया। पिंड वाले फड़न तो बाद फिर घबरा गया उसका डंडी गार्ड जिहड़ा सी ना उह बनाया उन्हें बेगोवाल का यह तरन तारण का आम पार्टी वालों मंगा साढ़े पिंडों मुंडा उन्हें मतलब बनाया आम पार्टी वालों। तो वह फड़ना फिर लाडी हुणी आ गया तो नाल अपना दूजा कुआड़ का पोता भी आ गया बचित्र सिंह। वो आने के नाल फिर काफ़ी चेर 2-3 घंटे वो पुछताछ करते रहे मीडिया वाले भी 10-15 जने मीडिया वाले भी आ गए। उन्हें तुम दस नहीं भी किस संबंधी हूँ दोबारा आया दोबारा मतलब अपने जरा है ना मतलब उन्हें अपनी जी भी छेड़छाड़ की उन्हें मतलब अपनी जी मशीन भी उन्हें मतलब छेड़छाड़ की उन्हें मशीन छेड़खानी की प्रशासन को की मांग करते हैं। प्रशासन को मांग ये करते हैं भी बाहर बंदे जो बाहरों आ के मतलब अपने आम पार्टी वाले पिंड क्यों दखलअंदाजी करते हैं। तुम पिंड वालों कोई कंप्लेट भी की है? कंप्लेट असं इतने मर्जी भी देती थाने छाकुट भी उन्होंने फटाता थाने छाकुट भी लगे फट के मीडिया च भी बहुत मीडिया वाले आए हैं उन्होंने हंगारा बहुत सोहना आ रहा। लोग कांग्रेस पार्टी नाल डट के खड़े आ ते कांग्रेस पार्टी नूं जिताउणगे वड्डी पुटली। आ लाडी जी शाहपुर च भी थोड़ियां कहिंदे कि झड़प सामने आईयां हैगियां एक दूजे ते आरोप लाए आ पार्टियां ने कि उहदे बंदे खिंची जांदा उहदे खिंची जांदा की इह मामला पूरा नहीं झड़प तो कोई नहीं हुई। असीं तो सिर्फ ये आ भी असीं प्रोटैक्शन कर रहे अपने आप नूं सेव कर रहे हैं जिहड़े बाहरों लोग आए आ उन्हां दा जिहड़ा इत्थे माहौल ना खराब करन क्योंकि असीं अमन शांति चाहुंदे आ। असीं नहीं चाहुंदे ना साडे इत्थे कदी इदां दा माहौल अगे हैगा सी भी इलैक्शन दे विच असीं सांझे भी बैठ जाईदा हरेक नूं मिलीदा। लोकां दा अधिकार आ यार वोट दा जिथे मर्जी पाउण उत्थे साडा किसे नूं दबा के नहीं असीं वोट लै सकदे प्यार नाल सत्कार नाल लै सकदे हां। सो अज माहौल इदां दा होया दबके भी मारे जा रहे आ डराया भी जा रहा धमकाया भी जा रहा बाहरों लिया के बंदे दहशत भी पाई जा रही है। तो इतने तो MLA गुंडागर्दी करते असी रोके फिर पुलिस लैके गई उन्होंने ये रूपेवाल की सवेरे हुई तोंग साहब या MLA बाबा बकाला तो वो सी उस समय अपने काफले चल रहे थे। पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 12 बंदे इतों छड़ जाने हलका ये तो जिम्मेवार बंदियां नूं जरूर इस गल ते गौर करनी चाहिए। तो मतलब ये ना जिम्मेवार बंदे आ इन्होंने जिहड़ियां इलेक्शन कमीशन दियां हदायतां दा पालन नहीं किया गया। लाडी जी तुसीं हुण लगभग भांप गए होणे आ कि नतीजे की आने वाले है क्योंकि काफ़ी फीसदी वोटिंग पूरी हो चुकी है नतीजे की भांप रहे? नतीजे तुहानूं मेरे नाल ज़्यादा पता मैं तो अपना काम कर रहा मैं तो 13 तरीक नूं ही देखूंगा नतीजे की लोगों ने किया पर जो लोगों का फतवा उन्होंने स्वीकार करना चाहिए पर नतीजे वधिया। लाडी जी बहुत सारे पिंडों के भाईचारक सांझ भी देखने को मिल रही है सारिया पार्टियां के जेडे समर्थक एको जगह बैठ के उन्होंने बूथ लगाए है इस तरह दी एक चंगी तस्वीरें भी आ रही ऑलरेडी अगे भी होंगे कई लोग आ जो कई पिंड अपना अपना प्रचार करते हैं जिदा वोटिंग होंगी अपना बैठ जाते हैं परचियां पिंड गई होंगे घरों घरी तो लोग अपनी सीधी जाके वोट पा।
ਕੁਝ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਜੀ ਕੋਲਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਲਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲਡੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪਏ ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।